you okay. हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर, नटेले पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन इयान मैकडमान सेमोल एल जैक्सन, क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स, केनी वेकर फ्रैंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट राहत फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को बदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह बने हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटेन बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन इयान मैकडनम सेमोल एल क्रिस्टोफर ली एंथोनी डैनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओजेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसॉल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकास फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवी वान और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओवी वान अलगावादी जनरल ग्रिव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सी डी एस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जे डी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह में हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है ईवान मैग्रॉजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन इयान मैकडमान सैम एल क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स, केनी वेकर फ्रैंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान सेमोल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओ जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंट सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेम एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन इयान मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेम एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डैनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह में हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन इयान सेमोल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह में हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंट सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह बने हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान सेमोल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह में हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन यान मैकडमान सैम एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेमोल एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डैनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन यान मैकडमान सैम एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रिवस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेम एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है दा, के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान हैल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह में हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह बने हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान हैल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओ जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओवीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेम एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेम एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डैनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह लें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह गवाहने हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान सेमोल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओ जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है दा, के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंट सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान सेमोल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन यान मैकडमान सैम एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंट सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेमोल एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डैनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओवीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफ़रत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह गवाहें हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन हैडन क्रिश्चियन इयान मैकडनम सेम एल जैक्सन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डैनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है दा, के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह में हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान सेमोल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओजेट जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है दा, के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैग्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही हैं ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाहना है हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज लुकस, लुकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रोजर नटेली पोर्टमैन क्रिश्चियन इयान सेमोल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रेंक ओ जेट सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ड म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हजार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यूएस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रात फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जेडी की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलावादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जेडी काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओवीवान केनोबी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जेडी मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओबीवान अलगावादी जनरल ग्रीव्स की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पदने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह में हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी स्टार वार्स थ्री का हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया गया है जॉर्ज ल्यूकस द्वारा रिटर्न बाय जॉर्ज ल्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय रिक मैकलम स्टार कास्ट रहा है इवान मैक्रॉजर नट पोर्टमैन हैडन क्रिश्चन ईन मैकडम सेमूल एल जैक्शन क्रिस्टोफर ली एंथोनी डेनियल्स केनी वेकर फ्रैंक ओ जेड सिनेमाटोग्राफ दिया गया है डेविड टेटरसाल एडिटेड बाय रोजर बार्टन बैनबर्ट म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स प्रोडक्शन कंपनी रही है ल्यूकाज फिल्म लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ट्वेंट सेंचुरी फॉक्स फिल्म का रिलीज डेट रहा है पंद्रह मई दो हज़ार पाँच कैनास में और यू एस ए में उन्नीस मई दो हज़ार पाँच फिल्म का रनिंग टाइम रहा एक सौ चालीस मिनट यू एस की ये फिल्म है लैंग्वेज रही है इंग्लिस बजट रहा फिल्म का एक सौ तेरह मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है आठ सौ अड़सठ पॉइंट चार मिलियन डॉलर की इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लोन युद्धों की शुरुआत को लगभग तीन साल बीत चुके हैं जे की मदद से रिपब्लिक काउंट डुकू और अलगवादियों से मुकाबला करता है एक नए खतरे के बढ़ने के साथ जे काउंसिल पकड़े गए चांसलर की सहायता के लिए ओ वान कैनोवी और अनाकिन स्काई वॉकर को भेजती है अनाकिन को लगता है कि वह जे मास्टर के पद पत पर पदोन्नत होने के लिए तैयार है ओ वान अलगावादी जनरल ग्रीस की तलाश कर रहा है जब अनाकिन को पतने के रास्ते में आने वाले दर्द और पीड़ा के भविष्य के सपने आते हैं तो वह सलाह के लिए मास्टर योदा के पास जाता है जब डार्थ सीडियस ऑर्डर छियासठ को क्रियान्वित करता है तो वह जेडी द्वारा बनाए गए अधिकांश को नष्ट कर देता है डार्थ दा, डार्थ वाडर के जन्म का अनुभव करें उस विश्वासघात को महसूस करें जो दो भाइयों के बीच नफरत की ओर ले जाता है और आशा की शक्ति की गवाह हैं